नाराज परी तारा ने शक्तियां देना शुरू भी कर दिया है। कब आएगी भयंकर परी? नाराज मुझे लगता है भयंकर परी कहीं फंस गई होगी, वरना वो अभी तक आ गई होती। तारास, इतना बड़ा खेल खेला, इतनी बड़ी साजिश रची, भयंकर परी से भली परी बनी, पर लगता है परीलोक की रानी बनना उनके भाग्य में ही नहीं लिखा। हाँ देखो ना, इतनी मेहनत की, इतना बड़ा खतरा मोल लिया, लेकिन अब कुछ ही पलों में भयंकर परी के हाथों से सब कुछ निकल जाएगा, क्योंकि कुछ ही पलों में ये परी उत्सव भी समाप्त हो जाएगा और ये परी पल और साथ ही समाप्त हो जाएगा भयंकर परी का वो सपना जो उन्होंने देखा रानी परी बनने का। सॉरी मेहर, सॉरी बालवीर, मैंने तुम दोनों की पूरी बात सुने बिना क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। कोई बात नहीं मानव। हाँ मानव, इट्स ओके। तुमने इतना अच्छा डांस किया और ये ट्रॉफी जीती, इसलिए अगर आज तुम मुझे पीट भी देते ना तो चलता। इसका मतलब तुम दोनों मुझसे नाराज नहीं हो? नाराज? अरे नहीं मानव, बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ तुमसे कि तुमने कोई भी गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी तुमने पूरी हिम्मत और पूरी सच्चाई से सबके सामने अपनी गलती कबूल की, सबको सच कहा। पर मैं कौन अपना जीता हुआ पुरस्कार किसी और को देता? मानो सच्चाई और अच्छाई का रास्ता बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। बल्कि मैं तो कहूंगा कि सब बच्चों को तुमसे सच्चाई और ईमानदारी का सबक लेना चाहिए। और मुझे तुमसे ये ट्रॉफी, ए? आधी तो मेरी है ना, आधी क्या पूरी दे दी है। मानो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, और इसीलिए मैं तुम्हें आज एक तोहफा देना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मैं मेहर के लिए एक तोहफा चाहता हूँ। दिया, बताओ क्या चाहिए? पक्का ना? एक बार वादा किया तो उसे पूरा करना पड़ेगा। हाँ हाँ, पक्का वादा। मैं हमेशा चाहती थी कि वो परी लोग जाए, रानी परी से मिले। तो क्या तुम उसे रानी परी से मिलवा सकते हो? रानी परी से? नहीं नहीं, वो तो बहुत मुश्किल है। तुम और कोई तोहफा मांगो। लेकिन बालवीर, तुमने अभी अभी तो मानव से वादा किया कि मानव जो भी चाहेगा तुम उसे दोगे। हाँ, लेकिन वो रहने दे मेहर, बालवीर के लिए इतना ही मुश्किल है तो कोई बात नहीं।
हाँ हाँ बालवीर तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। और मानव हम भी किसी को नहीं बोलेंगे कि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया, पर हम अपने वादे से पीछे नहीं हटेंगे। क्यों मानव? हाँ चल चल, रुको मानो मेहर हम जा रहे हैं। रुको मानो मेहर हम जा रहे हैं। अरे रुको हम जा रहे हैं। तो फिर ठीक है जाओ। अरे मानव इतने प्यार से बालवीर कह रहा है तो हम रुक सकते हैं ना? बोलो बालवीर बोलो। मानव मेहर मैंने मुश्किल कहा है, नामुमकिन नहीं। मैं तुम्हें परीलोक जरूर ले जाऊंगा और रानी परी से भी मिलवाऊंगा। सच्ची? तो चलो। अरे अभी नहीं, पहले मुझे रानी परी से आज्ञा लेनी होगी कि क्या तुम दोनों परीलोक आ सकते हो, और जैसे ही वो आज्ञा देगी मैं तुम दोनों को परीलोक दिखाने के लिए ले जाऊंगा। हाँ और सिर्फ हम दोनों नहीं, हमारे साथ बल्लू भी चलेगा, क्योंकि डांस स्टेप याद रखने का दादाजी का आइडिया था, उसी ने बताया था ना। हाँ लेकिन बल्लू और मेरे में से कोई एक ही जा सकता है। बल्लू भी चलेगा तुम्हारे साथ? हाँ क्यों नहीं, वो भी चलेगा। मैं और बल्लू दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। थैंक यू बालवीर। अब तुम जल्दी से परी लोग जाओ और रानी परी से आज्ञा मांग लो और हम घर चलते हैं। बाय बालवीर। बाय। बालवीर और बल्लू दोनों एक साथ कैसे जा सकते हैं? ये भली परी क्या कर रही है भयंकर परी के रूप में? इसे तो मैंने कैद कर दिया था, फिर ये बिना शक्तियों के कैद से बाहर कैसे निकली? इस तरह से रानी परी के राजदंड और परी तारा को पकड़ना उचित बात नहीं है। हाँ ये तो रानी परी के राजदंड और परी तारा का अपमान है। इस वक्त जो हमारे सामने खड़ी है वो सचमुच में हमारी दुश्मन भयंकर परी या भली परी है जिस पर हमें अटूट विश्वास है? देखा नारा, भयंकर परी ने जो कहा था वो आखिर कर दिखाया। अभी कहाँ था रास, अभी तो भयंकर परी ने सिर्फ परी तारा और राज दंड हासिल किया है, हमें हमारी शक्तियां थोड़ी ना दी है। वो सब भी हो जाएगा, चलो अभी चलकर भयंकर परी की। नहीं तरास, मदद की जरूरत तो हमें पड़ जाएगी। अगर रानी परी ने पासा पलट दिया तो जब तक भयंकर परी इस परी लोक पर अपना राज कायम नहीं कर देते तब तक चुपचाप खड़े होकर तमाशा देखो। अंत में भयंकर परी हो या रानी परी, जिसकी भी जीत होगी हम उसकी तरफ हो जाएंगे। जिसके पास होगा था उसके साथ होंगे हम। आहा, हे सब लोग हमेशा ऊंचे कोई फालतू चीज समझकर, पर रहूंगा एक ना एक दिन दिखाकर कि हूं मैं कौन। ये क्या भली परी, क्या परी तरह की सुरक्षा में अब भी कोई कमी रह गई है जिसकी तरफ तुम हमारा ध्यान खींचने की कोशिश कर रही हो? भली परी कौन भली परी? मैं कोई भली परी नहीं हूं, मैं भयंकर परी हूं, रानी परी, भयंकर परी। और हां जैसे मैं भली परी नहीं वैसे अब तुम भी रानी परी नहीं, क्योंकि अब इस पूरे परिलोक की रानी मैं हूं, क्योंकि अब मेरे हाथ में है ये राजदंड और ये परीधारा। ये क्या मजाक है भली परी, इसकी कठोर सजा मिलेगी। अच्छा कौन देगा मुझे सजा, तुम या तुम्हारी ये कमजोर परियां जो अब मेरी गुलाम बनेंगी, क्योंकि अब ये परितारा मेरे पास है। देखा रानी परी, मैं जानती थी भयंकर परी परीलोक में कोई ना कोई अनहोनी जरूर करेगी, ये तो परीलोक में आई ही परितारा को हासिल करने के लिए थी, लेकिन हमारे रहते ये ऐसा नहीं कर पाई।
हम अभी इसे अपनी विधार शक्ति से जलाकर भस्म कर देंगे। हाँ, हम अभी अपनी शक्तियों से इस भयंकर परी के होश ठिकाने लगाते हैं। हम तुम्हें ऐसी सजा देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगी। कौन सी शक्तियों के सहारे लड़ना चाहती हो तुम? वो जो इस राजदंड का आदेश मानती हैं? मगर अब ये तो मेरे हाथ में है। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दे सकती हो। हमें लगा था कि तुम सुधर गई हो, एक अच्छी परी बन गई हो। रानी परी, आपकी इसी अच्छाई और भोलेपन का फायदा उठाया है भयंकर परी ने। इसने सिर्फ परी तारा को हासिल करने के लिए परीलोक में आकर और हम सब के सहयोगी बनने का नाटक करके हम सबके साथ विश्वासघात किया है। सच कहा तुमने नटखट परी, तुम ही समझदार थी। तुम इन लोगों से बार बार कहती रही कि मैं बुरी हूं, मुझ पे भरोसा मत करो, मगर इन बेवकूफ परियों ने तुम्हारी एक भी नहीं सुनी। और आज देखो ना, इस परी तारा के साथ साथ पूरा परीलोक मेरे कब्जे में। मैंने कोई विश्वासघात नहीं किया, क्योंकि विश्वासघात तो वो करता है जो कभी वफादार हो। मैंने तो सिर्फ तुम सबको मौरा बनाकर अपनी शतरंज की चाल खेली थी। और ये मेरी आखिरी चाल थी, क्योंकि इसके साथ ही मुझे मिल गया मेरा परी तारा और ये पूरा परीलोक। इसे कहते हैं मेरी शह और तुम सबकी हार। शहनाथ हे खेल रही शतरंज का खेल या परी भयंकर। अरे पर है आपका वजीर यहाँ पर फंसा हुआ, उसकी तो चिंता करो। अरे करोगी क्या आप मेरे बगैर? हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई रानी परी कि हमने इस पे विश्वास किया और इसका असली रूप पहचान नहीं पाए। हम एक बार को ये मान सकते हैं कि हमसे भयंकर परी की सच्चाई जानने में और समझने में भूल हो गई, लेकिन अगर इसके मन में पाप था, बुराई थी, तो इसने सत्य जल की परीक्षा कैसे पार कर ली? जितना बुरा समझती हो, मैं उससे कई ज्यादा बुरी हूं रानी परी। तुम्हारी हर परीक्षा का तोड़ लेकर आई थी मैं यहां पर। भयंकर परी नाम है मेरा। कभी सुधर नहीं सकती, इसके दिल में छुपी बुराई कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। लेकिन नटखट परी, छल तो आपके साथ भी हुआ ना। जब आप उसे खुद कैद में बंद करके आए थे, तो जमीन के रास्ते से परी मैदान में पहुंची कैसे? भयंकर परी को कोई कैद में नहीं रख सकता, कोई नहीं। तुम्हारे हाथों से मुझे परी बाग में कैद करवाना भी मेरी ही एक चाल थी बेवकूफों।
12 एक बार मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊं फिर मैं बताता हूँ कि रानी तुम हो या मैं प्रधान। देखो भयंकर परी, हम तुम्हें आखिरी मौका दे रहे हैं, अपनी गलती स्वीकार करो और ये राजदंड और परितारा हमें दे दो। मुझे क्या तुमने अपनी तरह बेवकूफ समझा है कि अपने हाथ में आया राजदंड और परितारा तुम्हें दे दूं और तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर कहूं कि रानी पुरी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, ये लो अपना परितारा और ये पूरा परिलोक वापस ले लो। अरे इस परिलोक के लिए तो ये सब कुछ किया है मैंने, सारी चाले चली, इतने सालों भयानक लोक में रही, मगर अब बाजी पलट गई है रानी परी, अब तुम नहीं, मैं इस परिलोक की नई रानी, तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, मेरे सामने सर झुकाओ और अपनी गुलामी कबूल करो, वरना मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। सुना तुमने? तुम सब मेरी गुलाम हो, इस भयंकर परी की गुलाम। पड़ेगा कुछ ऐसा इंतजाम कि पहुंच जाऊं मैं ऊपर परी मैदान। अरे बिजली चली गई क्या? इतना अंधेरा क्यों है? वाओ डेकोरेशन, अरे वाओ, तुम्हारे लिए। कैसा लगा तुम लोगों को अपना स्वागत? अरे स्वागत तो होना ही चाहिए ना, मेरे मानव ने डांसर ऑफ द ईयर का कंपटीशन जीता है, ये जीता है, ये गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। अरे मेरा सीना तो गर्व से फूल गया है। और मानव मैंने तो तेरे लिए ना रॉन्ग बनाया, रॉन्ग। दादी रॉन्ग नहीं सॉन्ग। हाँ वो वही सेम टू सेम गाती हूँ। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरजू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आज हम में से किसका बर्थडे? अरे तेरा सॉन्ग तो रॉन्ग हो गया। भले किसी का बर्थडे नहीं है लेकिन मीठा तो बनता है। मैं आज लापसी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है। और बल्लू को सबसे ज्यादा। हाँ मगर बल्लू तो यहाँ पे एब्सेंट है। अरे हाँ इन सारी बातों में बल्लू को तो भूल ही गए भाई, बल्लू है कहाँ? कहाँ है बच्चों? स्कूल में तो नहीं था तो हमें लगा कि वो हमें बिना बताए घर चला गया होगा। किसके घर चला गया? अरे चाचू हमारा मतलब है घर आ गया होगा। लेकिन वो घर पर नहीं आया है तो गया कहाँ? तुम दोनों उसके बिना घर आए कैसे? स्कूल साथ जाते हो ना तो घर भी तो साथ आना चाहिए। इतनी बड़ी लापरवाही तुमने की कैसे? अब बेटा तू पेंशन मत ले। हाँ अरे पेंशन मैं लेता हूँ, महेश की नौकरी चालू है, क्या पेंशन? दादी पेंशन नहीं टेंशन। हाँ हाँ हा, हा। वही वही सेम टू सेम। टेंशन तो मेरी बढ़ रही है, पता नहीं बल्लू कहाँ चला गया होगा। मुझे यकीन है कि मैं रानी परी से मानो और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए आज्ञा मांगूंगा तो मुझे मना नहीं करेगी। वैसे भी रानी परी मानो और मेहर को पृथ्वीलोक वापस भेजने से पहले उनकी सारी याददाश्त मिटा ही देगी। पर मानो और मेहर को परीलोक उड़ाकर ले जाना सही नहीं रहेगा।
और मेरे और बल्लू दोनों में से एक ही उनके साथ उड़कर जा सकते हैं। तो मुझे मानो और मेहर को परीलोक ले जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। मिल गया रास्ता। जैसे सच बोलने वाला बच्चा कभी नहीं हारता, वैसे ही बन जाए यहाँ से परीलोक जाने का रास्ता। रास्ता तो बन गया, पर मानो और मेहर इस रास्ते से आराम से आ जा पाएंगे या नहीं, उसकी भी जांच कर लेता हूँ। तुम ये सब करके बहुत बड़ी भूल कर रही हो भयंकर परी। अब भी समय है, अपनी गलती सुधार दो। भूल तो माँ परी ने की थी, तुम्हें मेरी जगह रानी परी बनाकर। मैं तो बस आज उनकी भूल को सुधार रही। अब मैं हूं तुम्हारी नई रानी और तुम हो मेरी गुलाम। कितना अच्छा लग रहा है तुम्हें गुलाम बुलाकर, लेकिन हमारे होते हुए तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें रानी परी नहीं बनने देंगे। परीलोक में तुम जैसी दुष्ट परियों की कोई जगह नहीं है। रात चला गया लेकिन आदेश देने की आदत नहीं गई। जैसे जैसे गुलामी का जीवन बिताओगी, आदेश देने की बजाय आदेश मानने की आदत हो जाएगी। ना समझ भयंकर परी, एक बात तुम भूल रही हो कि इस राजदंड को हासिल करके तुम परीलोक पर अपना राज तो कायम कर सकती हो, लेकिन तुम हम सबको तुम्हें रानी परी मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। बाल परे, बाल परे! ए, चुप, चुप, चुप! क्या तुमने मुझे चुप कहा? नहीं, कहा मैंने चुप रहने को इन परियों से। नहीं नहीं समझ ये परिया कि है परीलोक पे अभी राज आपका। और है ये क्या तरीका पेश आने का? करना चाहिए सिर झुका के सलाम आपको अपने इस प्रधानमंत्री तोबा तोबा को। क्या कहा? तुमसे कह रहा हूँ मैं, खड़े हो अभी तक यहाँ, सबसे पहले इसे बनाऊंगा मैं अपना गुलाम। अच्छा, बनूंगा मैं गुलाम तो तुम क्या बनोगे? मैं बनूंगा बादशाह और परी भयंकर रानी। क्या कहा तुमने? रानी परी, परी भयंकर रानी परी और मैं आपका प्रधानमंत्री। अरे क्यों तुम लोग चुपचाप? चलो जय बोलो अपने प्रधान की, मतलब परी भयंकर की। बोलो बोलो। जय बोलो नई रानी परी की, जय बोलो परी भयंकर की। भयंकर परी इस वक्त बातों में व्यस्त है, यही सही मौका है। हम उस पर हमला करके राजदंड और परीतारा छीन लेते हैं। आप सही कह रही हैं। कोई नहीं जय बोल रहा आपकी परी भयंकर। बोलेंगे, ये सब मेरी जय जय बोलेंगे। नए परिंदे हैं, उड़ने में वक्त तो लगेगा ही। भटका दी परी, भटका परी, बोलो बच्चा, संभालो उन्हें। क्या हुआ? दर्द हो रहा है, उड़ो। अब उड़ो ना, जितना चाहे उड़ो, मगर इतना ऊंचा मत उड़ो कि भयंकर परी से टकरा जाओ।
और तुम सब एक बात कान खोल कर सुन लो, अब जो भी मुझसे टकराएगा उसका मैं यही हाल करूंगी। तुम सबकी शक्तियां तो मैंने छीन ली, मगर अब कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम सबके परों को जलाकर तुम्हें एक मामूली सी परी बना दूं। इसलिए तुम सब अपना सर झुकाओ और मुझे अपनी नई रानी स्वीकार करो। हमें कैसे भी करके इससे परी तारा हासिल करना ही होगा, क्योंकि जब तक परी तारा इसके पास है हम भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर सकते। मानो और मेहर को भी इस रास्ते से आने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन यह इतनी शांति क्यों है? कोई परी डूबा डूबा की कोई चहल पहल ही नहीं है। अरे हाँ, आज तो परी उत्सव है ना, तो सब परियां वहीं होगी। कितनी खुश होगी वो मुझे देखकर। अरे मैंने ही उन्हें मना किया था ना कि मानो की ड्यूटी वाई के मुकाबले की वजह से मैं परी उत्सव में शामिल नहीं हो पाऊंगा, लेकिन आज वो मुझे यहाँ देखकर कितनी खुश होगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी और मुझे उनका ऐसा चेहरा देखकर बड़ा मजा आएगा। तुम्हारी सजा तो मैं बाद में तय करूंगी, पहले मुझे परी तरह के आधे टुकड़े को फिर से अपने कब्जे में लेना होगा। इससे पहले भयंकर परी उस परी तरह के आधे टुकड़े तक पहुंचे, हमें उससे पहले पहुंचकर वो हासिल करना होगा। आधा आधा परी तारा है, यानी हम दोनों के पास बराबर की शक्तियां है। इसलिए जब तक हमारे पास आधा परी तारा है, तुम अपने आधे परी तारा से कोई भी महाशक्तियां हासिल नहीं कर पाओगी। और इस दुनिया पर अपना हक कायम नहीं कर सकती। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें ये आधा परी तारा कभी नहीं देंगे। हमें क्षमा कर दीजिए परियो, इस परी तारा के टुकड़े की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमें इसे कहीं दूर लेकर जाना होगा। इसे सुरक्षित करके हम जल्द ही वापस लौटेंगे। हाँ, रानी परी, आप जाइए, आप हमारी चिंता मत कीजिए। इस वक्त परी तारा की सुरक्षा ही आपका परम कर्तव्य है।
ये बार बार भूल जाती हो कि तुम मेरी बराबरी कभी नहीं कर सकती। परी तारा चाहे किसी को भी सर्वशक्तिमान बना सकता है, मगर वार करने के लिए राजदंड तो लगेगा ही, जो इस वक्त मेरे हाथ में, और सिवाय मेरी मर्जी के ना यहां कोई आ सकता है और ना ही यहां से कोई जा सकता है। बेचारी रानी परी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि आधा परितारा मेरे हाथ में है, मुझे इसकी सुरक्षा करनी है, मैं इसकी सुरक्षा के लिए इसे लेकर जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ। ओ मैं तो भूल ही गई, जम जो गई हो तुम बर्फ की तरह, रुकना तो तुम्हें पड़ेगा ही। जोश ठंडा हुआ या अभी भी थोड़ा बाकी है? लाओ ये आधा परितारा मुझे दे दो। तुम जैसी कमजोर परियों के लिए नहीं बनाएंगे, इसे सिर्फ मेरे लिए बनाया गया है। लाओ दे दो मुझे। हमने कहा था ना भयंकर परी, हमारे होते हुए तुम परी तारा को कभी हासिल नहीं कर पाओगे। जाओ बाल परी, इस परी तारा को कहीं सुरक्षित जगह पर लेकर जाओ, और अपने जीवन से भी बढ़कर इसकी रक्षा करना। हाँ रानी परी। वरना भयंकर परी इनकी शक्तियों से पूरी दुनिया का सर्वनाश कर देगी। जाओ। आस पड़ोस में सबको पूछा, इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक बल्लू नहीं मिला। पता नहीं महेश को भी स्कूल में मिला होगा या नहीं। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। कहाँ मिला? गार्डन में पेड़ के पीछे पड़ा हुआ था। गार्डन में पेड़ के पीछे वो क्या कर रहा था? बापूजी आप गुस्सा मत होइए, पहले वो तो देखिए कि वो ठीक है कि नहीं। हाँ कहाँ है रॉकी भैया? मेरे पास है, अभी दिख करता हूँ। ये देखो ये मिट्टी में पड़ा पड़ा गंदा हो गया था। महर के पापा मिला 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 पटेल का बच्चा बाहर ही मिला। तुझे अपने बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा था, तू पटेल के बच्चे को ढूंढ के लेके आया? नहीं नहीं बापूजी, मैं तो अपने बच्चे बल्लू को ढूंढने ही गया था, लेकिन वो पटेल पटेल है ना, उसने कुछ दिनों पहले मुझसे कुछ उधार पैसे लिए थे तो मुझसे भागता फिर रहा था, आज मिल गया। तो मिला क्या? हाँ मिल गया ना, पूरा उधार वापस मिल गया। ये देखो 650 रुपए पूरा। अरे मैं पैसों की नहीं बल्लू के बारे में पूछ रही हूँ, बल्लू मिला क्या? नहीं नहीं वो नहीं मिला, पूरा स्कूल छान मारा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बापरे मुझे लगता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। मगर बल्लू तो स्कूल में गया है ना, तो फिर उसे पुलिस स्टेशन में क्यों ढूंढेंगे? बेटा हम तो खाली पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करेंगे, बल्लू को ढूंढेगी तो पुलिस ही है ना बाबूजी। अच्छा इसका मतलब हम लोग फ्री होंगे। मोटा भाई तो फिर हम लोग वो मेरा वो वाला बैग ढूंढे जो खो गया था। तुमने रानी परी को बर्फ की मूर्ति बना दिया, तुम्हें भी बना सकती हूँ।
बनाओ। हम तुमसे डरते नहीं भयंकर परी। जब तक हम में शक्ति है हम इस परी तरह की रक्षा करते रहेंगे। कितना बड़ा मजाक किया है तुम्हारी इस रानी परी ने तुम्हारे साथ। खुद तो कमजोर परी तारा की रक्षा कर नहीं पाई और दूसरी कमजोर परी के हाथों पकड़ा दिया इसे। ला इसे मुझे दे दो। नहीं, हमने रानी परी को इस परी तारा की सुरक्षा का वचन दिया है और हम अपनी अंतिम सांस तक इसकी रक्षा करते रहेंगे। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो बाल परे। तुम सबको एक पल में मिटा सकती हूँ मैं। इसलिए ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ परी मैदान के पास तो परी उत्सव की धूमधाम होनी चाहिए, संगीत बजना चाहिए, आतिशबाजी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो ऐसी शांति है जैसे कोई उत्सव हो ही ना। अंदर जाकर देखता हूँ आखिर बात क्या है। अब मेरा समय बर्बाद मत करो और परी तारा का वो हिस्सा मुझे दे दो बाल परी, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो इस रानी परी का किया है। सोच क्या रही हो, मुझे मेरा परी तारा वापस कराओ। याद रखो बाल परी, मुझसे टकराओगी तो बच नहीं पाओगी। भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना? तो ठीक है, ले लो ये परी तारा। एकदम सही फैसला लिया है तुमने बाल परी। बस ऐसे ही मेरा हुक्म मानती जाओ तो खुश रहोगी। बाल परी, आप ये क्या कर रही हैं? आप परी तारा का ये हिस्सा भयंकर परी को नहीं दे सकती। नहीं बाल परी, आप ऐसा नहीं कर सकती। रानी परी ने बड़े भरोसे के साथ आपको ये परी तारा दिया है, आप उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। आप डरिए मत बाल परी, हम सब आपके साथ हैं। रानी परी परी तारा को बचाने के लिए खुद एक मूर्ति बन गई। हम उनके बलिदान को इस तरह से व्यर्थ जाने नहीं दे सकते। स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। इतनी देर से तुम सबकी बकवास सुन रहे हो? चुप करो, चुप करो। जिसे तुम्हारी रानी परी नहीं बचा पाई उसे तुम सब क्या बचाओगी? परी तारा तो बहुत दूर की बात है, पहले ये सोचो कि तुम सबको मुझसे कौन बचाएगा। रुको भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा ही चाहिए ना? तो ले लो ये परी तारा, लेकिन बाकी सब परियों को चोट मत पहुंचाओ। अभी देखता हूँ। बाली, बाली, तुम जहाँ कहीं भी हो प्लीज जल्दी आ जाओ, बल्लू कहीं खो गया है। हम उसे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए, हमने हर जगह ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। बाली प्लीज जल्दी आओ, कहीं वो किसी मुसीबत में ना, प्लीज। हाँ बाली प्लीज। लो घर पे सबको लग रहा है कि बल्लू कहीं खो गया है, और ऐसा लगेगा ही ना। मुझे स्कूल से आए हुए कितना समय हो गया, मानो और मैं को परीलोक लाने की तैयारी में, मुझे तो समय का ख्याल ही नहीं रहा। अब मैं अगर घर पे बल्लू बनकर नहीं गया तो बात बहुत बढ़ जाएगी, मुझे फौरन जाना चाहिए। परियोत समय में बाद में शामिल हो जाऊंगा।
तुमने बहुत अच्छा किया बालपरी, जो मुझसे लड़ने की कोशिश नहीं। मैं तुम्हारी इस बात से बहुत खुश हुई और इसी खुशी के इनाम में मैं तुम्हें गुलाम परियों की प्रधान बनाऊंगी। लाओ ये आधा हिस्सा मुझे दे दो। लेकिन बनाई कि मुझे अपना प्रधानमंत्री कहा था परी बहन करने का? प्रधान नहीं है बनाया उल्लू तुझे भयंकर परी ने। ए चुप, वरना बनाऊंगा मैं तुझे उल्लू, फिर दिन में करना गुलामी मेरी और रात को जाकर करना परी लोग की चौकीदारी। भयंकर परी, तुम्हें ये परी तारा चाहिए ना, लेकिन हमारे होते हुए वो तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और तुम्हारा तीनों लोगों पे राज करने का सपना भी कभी पूरा नहीं हो सकता। कोई नहीं अलग कर सकता। ये नादान परियां बहुत देर तक छुप नहीं सकती मुझसे। ऐसा कवच बनाऊंगी परीलोक पर कि वो बाहर कभी नहीं निकल पाएंगी। हे जादुई शक्तियों, बनाओ ऐसा सुरक्षा कवच पूरे परीलोक पर कि जा नहीं पाए कोई भी परी बाहर। बल्लू आ गया। बल्लू बेटा, बल्लू आ गया। बल्लू कहाँ गया था बेटा? तुझे पता हम कितने परेशान थे? पता कि तू जाता? हाश, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू आ गया और पूरा दिन बिना अन्न और जल के उपवास करेंगे मानव के दादाजी। बल्लू तेरे चक्कर में मेरा चाय पानी नाश्ता बंद हो गया। बोलो क्या बोलू? तुम कहाँ गए थे ये बोलो। तुम कहाँ गए थे? अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम कहाँ गए थे? मैं परी उत्सव गया था। परी उत्सव? परी उत्सव? अरे परी उत्सव सुना सुना? नहीं नहीं, वो पूरा तुम्हारी जीत की खुशी में पूरा परिवार जो उत्सव मनाने वाला है उसकी तैयारी के लिए गया था। कितना सोचता है। अरे सोच के नहीं बोला? नहीं नहीं बेटा, हम सबके लिए तू कितना सोचता है। हाँ। अच्छा बल्लू, क्या तैयारी की तूने? तुमने मुझे बुला लिया ना, इसलिए तैयारी नहीं हो पाई। मैंने तो बालवीर को बुलाया था। अरे वही वही वही, तुमने बालवीर को बुलाया? बालवीर ने मुझे बोला कि घर पे सब परेशान हो रहे हैं, तुम जल्द से जल्द वहाँ पहुँच जाओ, इसलिए फिर तैयारी नहीं हो पाई। बल्लू आ गया है तो अब मैं सबके लिए खाना लगा देती हूँ। सबको भूख लगी होगी ना? हाँ हाँ। नहीं, क्या नहीं, सबको भूख लगी है। बापू जी भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन खाना खाने से पहले मुझे बल्लू से कुछ बात करनी है। अब तुम जहां भी जाओगे कोई ना कोई तुम्हारे साथ रहेगा और तुम पर नजर रखेगा। यही तुम्हारी सजा है, समझे? चलो सब लोग हाथ धो के खाना खाने चलते। ठीक है, मैं खाना लगाती हूँ। ये कैसी सजा दे दी आपने? अगर हर समय कोई ना कोई मेरे साथ रहेगा तो मैं परी उत्सव के लिए परी लोग कैसे जा पाऊंगा? अब क्या होगा बालपरी, क्या करेंगे हम सब? कर सकता है अब हमारी मदद बालवीर ही।
एक बालवीर ही है जिसके पास सारी शक्तियां बाकी है, तो हमें जल्द से जल्द बालवीर को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, इस वक्त बालवीर को यहाँ बुलाना उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो हम बालवीर के पास जाते हैं और उसे सब जाकर सारी बातें बताते हैं। हाँ ये ठीक रहेगा। ये सब क्या हो रहा है? नवरंग परी आप ठीक तो है ना? हम सब परीलोक से बाहर ना जा सके इसमें भयंकर परी ने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना दिया है। हाँ, और ये सुरक्षा गोपू सुनकर भयंकर परी को पता चल गया होगा कि हम सब कहाँ हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परीलोक में परियों पर मुसीबतों का घना साया छा रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है भी या नहीं ये भी तो परीलोक जाकर ही पता चलेगा। एक काम करता हूँ, अभी जाकर देखता हूँ। नजर रखते रहोगे तो मैं परीलोक कैसे जाऊंगा? पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। हेलो, अरे यार मानो मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तुम ही सो जाओ। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए लोरी गाऊं? आजा रे मानो कुनिंग्या, आजा आजा। ओ भाई साहब बस बस, इसे सुनकर जो मुझे थोड़ी बहुत नींद आ भी रही थी ना वो भी उड़ गई। अरे ये मैंने क्या कर दिया? अच्छा तो मैं तुम्हारे सर की मालिश कर दूं? नहीं, अरे कर ही देता हूँ। अरे ए, अरे अरे बल्लू छोड़। अरे आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ए बल्लू छोड़। मानो छोड़ दिया। अरे अब तो मुझे चाकर भी नींद नहीं आएगी, इतना सर दर्द हो रहा है मेरा। तो मैं तुम्हारे लिए, रहने दो बल्लू, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। जब मुझे सोना होगा तब मैं खुद सो जाऊंगा। मानव ये देख, मैंने रानी परी के लिए कार्ड बनाया। रानी परी के लिए कार्ड? पर क्यों? इसे बता दे मेहर कि हम रानी परी से मिलने जा रहे हैं, उसके लिए कार्ड बनाया है। सॉरी। देख बल्लू, हम तुझे बता रहे हैं कि बालवीर हम तीनों को परीलोक लेके जा रहा है रानी परी से मिलवाने के लिए। अगर तूने ये बात किसी और को बताई तो मैं तुझे पीट दूंगी। इसलिए प्रॉमिस कर कि तू किसी को नहीं बताएगा। पहले खुद प्रॉमिस कर, किसी और को नहीं बताएगा। प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। लेकिन मैं और बालवीर साथ कैसे जा सकते हैं? तुम दोनों अकेले ही चले जाना, मैं नहीं आ सकता। नहीं नहीं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो बाद में तुम ही हमारी शिकायत करोगे कि हमने तुम्हें रानी परी से नहीं मिलवाया। हाँ ठीक है, पर अब तो सो जाओ। नहीं नहीं, तुम्हें सोना है तो सो, लेकिन अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। रानी परी से रोज रोज मिलने का मौका थोड़ी ना मिलता है। मानव मैं बाथरूम जा रहा हूँ, वहाँ भी मेरे साथ चलोगे? हाँ, पापा ने हर जगह नजर रखने को कहा है। मुझे नहीं लगता कि आज मुझे ये परीलोक जाने देंगे। हाँ, चल। मुझसे भागने की कोशिश? इतनी आसानी से नहीं भागने दूंगी मैं तुम सबको।
लगता मुझे लगा है गहरा सदमा इनके दिमाग पर। यहाँ पर परिया भाग रही है और इनको खेल खेलने की सूझ रही है। चुप! बेवकूफ, ये शस्त्र मुझे बताता है कि परिया कौन सी दिशा में गई है। और वो दक्षिण दिशा में जा रही है। चलो जल्दी। रुकिए परी भयंकर, मैं हूँ ना। आइए रानी परी, आइए आइए रानी परी, आइए विराज रानी परी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे माँ ने मुझे याद किया, लेकिन अगर माँ मुझे याद करती है तो रानी परी के वरदान से मैं अपने आप परीलोक पहुंच जाता हूँ, लेकिन मैं अभी भी यहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर क्या मुझे परीलोक जाकर माँ से मिलना ही पड़ेगा। बल्लू, तू कहीं जा रहा है? मानव, चल बन जा इसकी पूछ। मतलब? अरे, पापा ने कहा है ना कि बल्लू जहाँ कहीं भी जाएगा उसके साथ कोई ना कोई जरूर जाएगा। लेकिन मेहर। नो लेकिन विकिन, कराटे खाएगा बेटा। पापा ने तुम पे हर जगह नजर रखने के लिए बोला है ना, तो बस रखनी है। और कल तक तुम हमारे नजर से दूर नहीं जा सकते, समझा? इसलिए तुम कहीं नहीं जाएगा। दोनों तो सो गए, सब घर वाले भी सो गए होंगे, अब मैं आराम से परीलोक जा सकता हूँ। पापा, आप समझ गया, आप मुझ पर नजर रख रहे हैं ना? बल्लू चलना, तुम जाओ मैं आता हूँ, ठीक है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे परीलोक जाना चाहिए, पर कोई ना कोई मुझ पर नजर रखे हुए इसलिए मैं जा नहीं पा रहा हूँ। दिखने में तो बड़ी साधारण पर बड़ी कठिन सजा दी है पापा ने। अभी मौका है, मैं अभी चला जाता हूँ परीलोक। हाँ हाँ पता है, पापा ने मुझ पर नजर रखने के लिए कहा है ना? हाँ वो तो है, लेकिन अभी मेहर ने भी बुलाया है, मोंटू आने वाला है ना? हाँ तो भूल गया, चैलेंज हुआ था हमारे बीच में कि अगर मैं डीएटी वाई जीत गया तो मोंटू बंदर बन के नाचेगा। अरे हाँ, अरे हाँ, क्या चल चल। अरे बल्लू, कहाँ गया था तू? तुझे पापा ने बताया ना कि हमेशा हमारे साथ रहने के लिए? मैं जानता हूँ मैं, पर हे लो मोंटू आ गया। आइए बॉस आइए। आज ये बच्चे ऐसे क्यों खड़े? क्योंकि बॉस सबब का स्वागत करना है। चलो बस चलो। ए,
अबे हारने पे किसका स्वागत होता है क्या? हाँ होता है ना आपका, मेरा मतलब है आपका तो कभी स्वागत ही नहीं होगा ना, क्योंकि बॉस आप कभी जीतते ही नहीं। तुम दोनों की तो जिस पिज्जा बॉक्स में पिज्जा खाते हो उसी में छेद करते हो। बॉस लड़की के सामने से घूम के जाओगे तो इज्जत भी जाएगी। क्या भूल गया अपना चैलेंज? अगर इस मानव ने मुझे हराया ना तो मैं पूरे स्कूल के सामने बंदर बनकर डांस करूंगा और तू बाजारी बनकर मुझसे डांस करवा लूंगा।